Start with the name of Allah, who is the King of Kings and the Master of Masters, who is the most beneficial and the most merciful. Welcome back to Classification of English Grammar, COE Grammar. These are the remaining structures of the present simple tense. Structure number 4, structure of single interrogative sentence. First of all, this is the formula of structure of single interrogative sentence. First of all, helping verb इस्तेमाल होगा, इसके बाद not, not के बाद subject, subject के बाद first form of the verb, first form of the verb के बाद object हो. For example, हमारे पास एक sentence है, क्या वो पानी नहीं पीता है. ये तो interrogative mood में भी है और interrogative में interrogative plus negative mood में भी है. For example, क्या वो पानी नहीं पीता है. क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब डज, डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. डज नॉट, नॉट तो नेगेटिव साइन है. एंड सब्जेक्ट है हमारे पास पीता है, सब्जेक्ट है हमारे पास ही. एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ड्रिंक. एंड ऑब्जेक्ट है वाटर, क्या वो पानी नहीं पीता है. डज नॉट ही ड्रिंक वाटर. स्ट्रक्चर नंबर 5, स्ट्रक्चर ऑफ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस. What is double interrogative sentence? Double interrogative sentence ऐसे sentence को कहते हैं जो जुमले WH word से शुरू होते हैं. For example, what से या when से या where से या how से या मतलब which से या who से या by whom से या where से. W structure of double interrogative sentence में पहले हमारे पास है WH words, इसके बाद helping word, इसके बाद subject, subject के बाद first form of the verb, इसके बाद object हो. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेंटेंस है क्या वो कब वो कब लाहौर जाती है, वो कब लाहौर जाती है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस. व्हेन डज शी गो टू लाहौर. व्हेन WH वर्ड्स है, डज हेल्पिंग वर्ब है, शी इज सब्जेक्ट है और गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, टू इज अ प्रीपोजिशन है और लाहौर इज एन ऑब्जेक्ट है इन दिस सेंटेंस में. इसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 6, तो स्ट्रक्चर ऑफ डबल इंट्रा नेगेटिव सेंटेंस. जो जुमला डबल इंट्रागेटिव भी हो और डबल इंट्रागेटिव में नेगेटिव भी हो, वो इसे कैसे कैसे चेंज करना है. वो क्यों लाहौर नहीं जाती है, वो क्यों लाहौर नहीं जाती है. वाई डज नॉट शी गो टू लाहौर. इसका मतलब ये है कि वाई WH words है हमारे पास, ये तो WH words है. does जो है वो तो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट तो नेगेटिव साइन ऑफ इंटरोगेशन. एंड शी इज़ अ सब्जेक्ट एंड गो इज़ अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड टू इज़ अ प्रीपोजिशन एंड लाहौर इज अ एन ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो एंड मोस्ट वेलकम. एंड वी विल मीट सून इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच वंस अगेन.